हर व्यक्ति सफल होना चाहता है, जीतना चाहता है, अपनी जिंदगी में नाम कमाना चाहता है और हर आदमी जीतने की, सफल होने की कोशिश भी करता है। लेकिन क्या सभी जीत पाते हैं, सभी सफल हो जाते हैं? तो इसका जवाब अधिकतर नहीं में होगा। कहते हैं कि मंजिल बड़ी जिद्दी होती है, हासिल कहाँ नसीब से होती है, मगर वहाँ तूफान भी हार जाते हैं। जहाँ कश्तियाँ जिद पर होती हैं, भरोसा ईश्वर पर है तो जो लिखा है तकदीर में वो ही पाओगे, मगर भरोसा अगर खुद पर है तो ईश्वर वही लिखेगा जो आप चाहोगे। कहने का मतलब है कि जिद्दी लोग ही इतिहास रचते हैं और समझदार लोग तो केवल उनके बारे में पढ़ते हैं। इतिहास उठाकर देख लीजिए, जिस इंसान ने भी अपनी जिद को दिल से लगाया है उसी ने इतिहास रचा है। एक जिद्दी इंसान इतिहास रच सकता है। जब जब दुनिया में कोई नया आविष्कार हुआ या फिर जो भी बड़े बड़े परिवर्तन हुए हैं, वो किसी जिद्दी इंसान ने ही किए हैं। जब इंसान के मन में कुछ करने की जिद आ जाती है तो वह कुछ भी कर सकता है। साधारण इंसान केवल इस दुनिया में आते हैं और मर कर चले जाते हैं, लेकिन जिद्दी इंसान इतिहास पलटने की ताकत रखता है। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ही कुछ जिद्दी इंसानों के बारे में जिन्होंने अपनी जिद से अपना नाम इतिहास में दर्ज करा दिया। दशरथ मांझी की पत्नी 55 किलोमीटर तक फैले पहाड़ से नीचे गिरकर मर गई थी। तभी उस इंसान के मन में जिद आ गई कि इस पहाड़ को तोड़ना है। पहाड़ को तोड़ने में 22 साल लगा दिए दोस्तों, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। केवल एक छेनी और एक हथौड़े से 55 किलोमीटर के पहाड़ को तोड़ डाला। महात्मा गांधी को साउथ अफ्रीका में अंग्रेजों ने ट्रेन के डिब्बे से नीचे उतार दिया था और कहा था कि तुम इस फर्स्ट क्लास की डिब्बे में सफर नहीं कर सकते। गांधी जी ने कहा, मेरे पास टिकट है। लेकिन अंग्रेजों ने उनकी एक बात न सुनी और कहा कि कुछ भी हो जाए, तुम इस फर्स्ट क्लास के डिब्बे में सफर नहीं कर सकते, और धक्का देकर ट्रेन से नीचे उतार दिया। तो गांधी जी ने जवाब दिया कि तुमने मुझे ट्रेन से निकाला है, अब मैं तुम्हें अपने देश से निकाल कर दिखाऊंगा। चंद्रशेखर आजाद ने कहा था कि मेरे जीते जी अंग्रेज तो क्या, अंग्रेज की गोली भी मुझे नहीं छू सकती। बहुत जिद्दी इंसान थे चंद्रशेखर आजाद। और लास्ट में हुआ यूं कि अपने हाथों से खुद को गोली मार ली, लेकिन अंग्रेजों को छूने तक नहीं दिया। सरदार भगत सिंह के माँ बाप ने कहा कि बेटा तेरी शादी तय हो गई है। अगले ही दिन एक चिट्ठी लिखकर घर से कानपुर भाग गए और कहा कि मैंने इस शरीर को देश के नाम कर दिया है। ये किसी एक महिला के लिए नहीं है, बल्कि मेरी भारत माँ के लिए है। तो दोस्तों, जब आदमी के अंदर जिद आ जाती है तो फिर कोई भी मुश्किल, कोई भी मुसीबत, कोई भी विफलता रोक नहीं सकती। जिद्दी व्यक्ति जो चाहता है उसे करके ही छोड़ता है, क्योंकि जिद्दी इंसान को सिर्फ अपना लक्ष्य दिखता है, सिर्फ अपनी मंजिल दिखती है। आम इंसान वह सोच भी नहीं सकता जो जिद्दी इंसान कर गुजरता है। अगर जिंदगी में सफल होना है तो जिद पालिए, और जिद किसी भी चीज की होती है। जैसे अगर आप एक स्टूडेंट हो तो अच्छे नंबर लाने की जिद करो। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसको एक बार में क्लियर करने की जिद करो। यदि आप किसी खेल में एक खिलाड़ी हो तो अच्छा खिलाड़ी बनने की जिद करो। अगर आपको सिंगिंग पसंद है तो टॉप सिंगर बनने की जिद करो। अगर आप बिजनेसमैन हो तो एक अच्छा बिजनेस करने की कोशिश करो। अगर आप जॉब करते हो तो जॉब में अच्छे लेवल तक जाने की जिद करो। अगर आपका कोई भी सपना है तो उस सपने को पूरा करने की जिद करो। तो लास्ट में यही कहना चाहती हूँ कि जिस भी फील्ड में हो या जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हो, आप उसके अंदर टॉप पर पहुँचने की जिद करो। फिर चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, अपनी जिद को ना छोड़े, अपने सपने को ना छोड़े, बल्कि अपनी जिद को मजबूत करके अपने मंजिल को हासिल करे और अपने सपने को पूरा करे। तो दोस्तों, जिद्दी बनिए और इतिहास रचिए, क्योंकि आप कुछ कर दिखाने के लिए पैदा हुए हैं, आप जीतने के लिए पैदा हुए हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो कॉमेंट्स बॉक्स में मुझे जरूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मिलती हूँ नेक्स्ट मोटिवेशनल वीडियो के साथ में। तब तक के लिए देखते रहिए डेली मोटिवेशन फायर। जय हिंद, जय भारत।